सब कुछ है मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है रात्रि काल की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन कि एक बार फिर आपने मुझे अपने चरणों में आके आने के लिए प्रभु जी मदद किया मेरे खुदा। और प्रभु यीशु मैं आपके समीप आती हूँ और अपने लोगों के लिए आपसे आराधना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ दीन होकर प्रभु, अपने हाथों को आपके समीप उठाती हूँ मेरे यहोवा। आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए मेरे यहोवा। आप महान परमेश्वर हो, पूरे दिन प्रभु जी आपने मेरे लोगों को संभाला। और प्रभु यीशु जब हम रात्रि काल में आए हैं प्रभु जी, तो एक बार फिर मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे आराधना करती हूँ, आपसे प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को आप कीजिए मेरे यहोवा। जब वो अपने घरों को लौटे हैं मेरे यहोवा, तो सच में वो आनंद से भरने पाए। और प्रभु यीशु आज की रोटी को वो प्रभु जो आपने दिया वो खाने पाए बिना किसी दुख तकलीफ या रोग के प्रभु जी द्वारा, ना खाए मेरे यहोवा, परंतु आप उनको पूरी रीति से प्रभु जी छुटकारा दीजिए। और मेरे यहोवा जो वो मेहनत करते हैं वो सच में अपने जीवन में फल को देखने वाले हो प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो मेरे यहोवा। जब हम वचनों को पढ़ते प्रभु, तो आप मेरे लोगों को प्रभु इस वचन के द्वारा बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए, इन वचनों को वो समझ कर और आज्ञा का पालन करने वाले हों। और जैसा कि परमात्मा प्रभु यीशु चाहते हैं वैसा मनुष्य करने पाए, इस प्रार्थना के द्वारा मेरे लोगों के जीवन में एक बड़ी आशीष को मैं मांग लूं। आइए हम सब ले व्यवस्था की पुस्तक 26 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे आज्ञा पालन की आशीष। तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शेदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दांव तोड़ने के समय भी दांवनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाग तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश के निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रखने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी और तुम अपने शत्रु को मार भगाओगे और वह तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा। प्रभु आपको धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। प्रभु जी सच में इस वाचा को मेरे लोगों के जीवन में पूरी कीजिए प्रभु जी। जो आज्ञा आपने दी है प्रभु, मेरे लोग उस आज्ञा का पालन करने वाले हो प्रभु जी। मेरे यहोवा वो किसी प्रभु जी किसी मनुष्य किसी पत्थर या किसी मूर्ति के आगे अपने हृदय को या अपने सिर को ना झुकाए, परंतु वो जीवते खुदावन प्रभु यीशु को ही अपना उद्धार करता मुक्तिदाता माने, क्योंकि आप ही हो परमेश्वर जिसके द्वारा उद्धार मिलता है। आज आप अद्भुत कार्य कीजिए मेरे
लोगों के जीवन में, और जो वाचा आपने दिया है, जो आशीष की आपने दी है प्रभु, वो आशीष वो पकड़े रहे प्रभु जी, और सच में प्रभु वो देख नहीं पाए कि उनके द्वारा उनका घराना और उनके आसपास के लोग भी आशीषित हो रहे हैं। ओ मेरी यहोवा अद्भुत कार्य कीजिए, आप अद्भुत कार्य कीजिए, मनुष्य की बुरी प्रभु जी चालों को आप उनसे दूर कीजिए, और प्रभु जी हर रोगियों को चंगा करिए और उनको जीवन दान दीजिए, और हृदय को दृढ़ करिए, और हृदय के हर रोगों को मेरे लोगों के जीवन से दूर करिए। यीशु राजा करिए ऐसा, अब करने वाले परमेश्वर हो, यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी सब उसी के द्वारा रचे गए हैं। तो प्रभु जी आज अपने लोगों को, जब आपने अपने हाथों से उनको बनाया, उनकी तस्वीरों को अपने हथेली पर खोद के बनाया है मेरे खुदा, तो आज उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। जिनकी मैरिज के लिए प्रभु अभी बात चल रही है, अगर वो आपकी ओर से रिश्ता है प्रभु, तो सच में प्रभु ये रिश्ते होने के लिए मैं रास्तों को खोलती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि आपने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। तो सच में मेरे यहोवा, जो जवान बेटे और बेटियां हैं, जो भी आपने उनके लिए सहायक को रखा है, वो जल्द से जल्द उनके जीवन में आने के लिए आप मदद कीजिए। और प्रभु जो मेरे यहोवा, जो प्रभु जी स्त्रियां भी प्रेग्नेंट नहीं है, उनकी मैरिज को 5 साल 10 साल 15 साल हो गए, उनके पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, तो आज आप उनके बंधकों को खोलिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनका बंधकों खुलने पाए, और बच्चे की ब्लेसिंग दीजिए, बच्चे की ब्लेसिंग दीजिए, माता पिता बनने का प्रभु जी हालेलुया अवसर प्रदान कीजिए मेरे यहोवा। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो, और जिन लोगों की डिलीवरी है, यीशु के नाम से उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए मदद कीजिए मेरे यहोवा। और प्रभु यीशु मेरे खुदावन, जिन लोगों के शरीरों को ओ प्रभु बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, यीशु के नाम से सारी बीमारी एक हर एक लोगों के शरीर से निकलने के लिए मैं बोलती हूँ। हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, टीवी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ओ प्रभु यीशु के नाम से सर्वाइकल पेन, ओ प्रभु बोन्स में जो दर्द होता है, ओ प्रभु जी, ओ मेरी फिस्टुला, हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम से सारे रोग मेरे लोगों के जीवन से दूर हो जाए, स्किन डिसीज, पिंपल की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। अद्भुत कार्य कीजिए। और जितने लोग दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं, वो उनको अपने घरों में, अपने घर में नेगेटिविटी महसूस होता है, अपने घर में अजीब सी स्मेल आती है, तो यीशु के नाम से हर एक घरों को प्रभु आज मैं आपके लहू से ढांपती हूँ, हर एक नेगेटिविटी घर से निकलने के लिए मैं बोलती हूँ। ओ प्रभु कई लोगों को लगता है कि उनके घर में कोई चलता फिरता है, तो आज हर एक चीजें उनके घर से मैं निकल के लिए बोलती हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर एक चीज जो उनके माइंड को, उनको प्रभु तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है उनके माइंड को, यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ निकलने के लिए। और प्रभु यीशु आज जिन लोगों की एनिवर्सरी और मैरिज, प्रभु जी बर्थडे है, एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु, उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष को दीजिए। और मेरे यहोवा जितने बच्चे हैं, जितने जवान बच्चे हैं, उन सबको अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखना मेरे यहोवा, हर एक बुरी संगति से, हर बुराई से, हर रोग से प्रभु आप बचा के रखिएगा मेरे यहोवा। जब वो अपने घरों में रहकर स्टडी कर रहे हैं, तो सच में प्रभु आपके डर भय में वो प्रभु जी अपने प्रभु ऑनलाइन स्टडी को करने पाए और आगे बढ़ने पाए। जो योजना आपने अपने बच्चों के लिए बनाई है, उस योजनाओं को अपने बेटे और बेटियों के जीवन में आप पूरा कीजिए। और प्रभु जो लोग कर्जे में है प्रभु, ओ मेरे यहोवा, उनका कर्जा उनके लिए शायद बड़ा लगता होगा प्रभु, लेकिन आपके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता। आप सब कुछ करने वाले जीवते खुदावर प्रभु यीशु हो, तो आज सारा कर्जा मेरे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। जिन्हें पैसे लेने हैं या जिन्हें वापस रिटर्न करना है, तो आप अगुवाई कीजिए उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, इतनी आशीष दीजिए, इतनी ब्लेसिंग दीजिए कि वो आज सारे क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से छुटकारे को पा ले मेरे खुदावन। और मेरे खुदा हर कर्जे से वो मुक्त हो जाए, और जो तनाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ओ प्रभु जी सोच में है,
हर समय वो सोचते रहते क्या होगा कैसे होगा, तो परमेश्वर आपने कहा कि तू चिंता करके कुछ नहीं कर सकता, तो संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रख और जो आज्ञा मैंने तुझे दी है तू वो करता जा और देख तेरे जीवन में अद्भुत कार्य को। तो सच में प्रभु जो लोग चिंता में हैं, जो प्रभु टेंशन में, उनकी सारी टेंशन को आप दूर कीजिए और उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कीजिए मेरे यहोवा, अद्भुत कार्य कीजिए। जो लोग ट्रैवल कर रहे प्रभु उनके आने जाने में आपकी सुरक्षा को मांगते हो, आज जब लोग सोने को जाते हैं प्रभु जी तो मेरे यहोवा हर एक दुष्ट कार्य उनसे दूर हो और जो भी शैतान सपने में आके उनको तंग करता मैं यीशु के नाम से प्रभु जी डांटती हूँ और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आज आप उनको प्रभु जी उनसे बात कीजिए, अच्छी नींद प्रदान कीजिए मेरे यहोवा, अच्छी नींद से वो सोने पाए यीशु राजा के नाम से, यीशु राजा के नाम से अद्भुत कार्य हो। और सारे पासवानों को प्रभु जी एक मन की आत्मा दीजिए और सब पासवानों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी बेदारी को दीजिए, डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के द्वारा बड़ी बेदारी को मैं मांग लेती हूँ यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना के द्वारा मेरे लोगों के जीवन में बड़ी बेदारी को दे दीजिए, अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया। रत्तम जेम, रत्तम जेम, रत्तम जेम, रत्तम जेम यीशु के लहू के द्वारा हर कार्य होने पाए। आपका पवित्र लहू हर एक चीजों पर और हर एक मनुष्य पर मैं लगाती हूँ। और जिनकी सैलरी प्रभु अभी उनको लगता है कि हमारी सैलरी कंफर्म नहीं है कि वो परमानेंट है या नहीं, तो आज उनकी प्रभु जी ओ मेरे यहोवा सैलरी को, ओ मेरे यहोवा जॉब को परमानेंट कीजिए। और जिनकी सैलरी फंसी हुई है यीशु के नाम से उनकी सैलरी पूरी की पूरी सैलरी मिलने के लिए आप मदद कीजिए। और जो घर में अकेले विश्वासी है प्रभु जी, अकेले आपके पीछे चल रहे हैं, तो आपका वायदा है कि तेरे विश्वास के द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा, तो आज ऐसा ही होने पाए प्रभु जी। हर एक घराने को उद्धार दीजिए प्रभु, हर एक घराने के आप मुखिया बन जाइए ओ मेरे यहोवा, अद्भुत कार्य कीजिए। हर पति पत्नी को अपना डर और भय की आत्मा दीजिए, वो आपके वचनों को थाम कर रहे और जो आपने आज्ञा दी है एक दूसरे को अपने देह के समान प्रेम करने की आज्ञा, तो ऐसा वो करते ऐसा करे मेरे यहोवा। पत्नी और पति एक दूसरे को अपने अपने देह के समान एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो मेरे यहोवा। और जितने माता पिता, जो बुजुर्ग माता पिता है, बूढ़े माता पिता अपने घरों में अकेले हैं मेरे यहोवा, ओ मेरे प्रभु उनको आप संभालिए, दूतों की सेना जाइए यीशु के नाम से, उनको आप संभाल के रखिए, उनके हाथों पैरों में नई बल, नई ताकत, नई सामर्थ को उंडेल दीजिए। सारा पैर दर्द, सारा शरीर में जो दर्द रहता है इस बुजुर्गी के कारण दूर होने पाए, वो उकाब के समान प्रभु फानने और कूदने पाए और आपके प्रभु जी सुसमाचार को वो भी प्रभु भागीदार और बांटने पाए। आप अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, ना बल से ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा होगा प्रभु यीशु। इस बुजुर्गी में हर एक चिड़चिड़ेपन की आत्मा मेरे लोगों के जीवन से दूर कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए। और हर भंडार घरों को आप आशीष दीजिए, हर लोगों को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री को भी प्रभु आशीष दीजिए, द डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री निरंतर प्रभु जी हमारे लोगों के लिए प्रार्थना हो कर रहे हैं प्रभु, हर एक बहन भाइयों के लिए उनके निवेदन के लिए, तो उनके जीवन में उत्तर को मिलने पाए और वो देखने पाए इस मिनिस्ट्री के द्वारा अद्भुत कार्य अपने जीवन में, और गवाहियों को देने पाए प्रभु यीशु। और जो प्रे टावर बन रहे हैं मेरे यहोवा, प्रे टावर के लिए भी हर एक चीजों के इंतजाम यीशु नासरी के नाम से होने पाए, अद्भुत कार्य कीजिए। और जिन लोगों ने देने के लिए बोला है प्रभु, उनके जॉब और बिजनेस में इतनी आशीष दीजिए कि वो हाथों को बढ़ाए, और जिन लोगों ने दे दिया है मेरे खुदा उनको बहुतायत की आशीष दीजिए। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आप सुनिए और उत्तर को मेरे लोगों के जीवन में दे दीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, आनंदित रहिए, खुश रहिए, अच्छे से सोइए और प्रार्थना में लगे रहिए। और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये चैनल, प्रार्थना चैनल और आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।